हेलो एवरीवन वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट हमारी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है जिसमें हम अपना टॉपिक थ्योरीज ऑफ कंजम्पशन फंक्शन कर रहे थे लास्ट वीडियो में हमने एब्सल्यूट इनकम हाइपोथेसिस किया था इस वीडियो में हम रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस करेंगे अब एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने एप्सल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में क्या पढ़ा था एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में हम अपनी इनकम का कंपैरिजन ख़ुद की इनकम से ही कर रहे थे और हमने उसमें ये भी देखा था कि वो सेम एज़ कंजम्पशन फंक्शन की तरह होता है मतलब कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन तो बढ़ती है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से ठीक है अब हम रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस पर आ जाते हैं रिलेटिव इनकम आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा मतलब कि आपकी इनकम का कंपैरिजन अदर की इनकम से ठीक है मतलब कि आपकी इनकम और आपकी पड़ोसी की इनकम रिलेटिव इनकम होती है जब हम अपनी इनकम का कंपैरिजन किसी दूसरे की इनकम से करते हैं तो उसे हम कहते हैं हमारी रिलेटिव इनकम अब रिलेटिव इनकम का कंजम्पशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम जानेंगे रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं हम रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस क्या कहते हैं ठीक है देखो अकॉर्डिंग टू रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस इफ़ इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी इंक्रीज़ बाय द सेम परसेंटेज देन हिज़ रिलेटिव इनकम रिमेन्स सेम थ्रो हिज एब्सल्यूट इनकम वुड हैव इंक्रीज़ वो क्या कह रहा है कि अगर सोसाइटी में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सब लोगों की जो इनकम है वो सेम परसेंटेज से इंक्रीज़ हो जाए जितने भी इंडिविजुअल सोसाइटी में हैं उनकी जो इनकम है वो सेम परसेंटेज से अगर इंक्रीज़ हो जाए तो उनकी जो रिलेटिव इनकम है वो सेम ही रहेगी चाहे उनकी एब्सोल्यूट इनकम बढ़ भी जाए जैसे कि मान लो आपकी इनकम पचास हज़ार से एक लाख हो गई ठीक है अब आपकी एब्सोल्यूट इनकम तो इंक्रीज़ हो गई लेकिन आपके पड़ोसी की जो साठ हज़ार इनकम थी उसमें भी पचास हज़ार का इंक्रीज़ हो गया उसकी भी इनकम कितनी हो गई एक लाख दस हज़ार हो गई है ना अब यहाँ पे आपकी एप्सल्यूट इनकम में तो इंक्रीज़ आ गया लेकिन आपकी रिलेटिव इनकम जो थी वो तो सेम ही रही क्योंकि आपकी भी इनकम पचास हज़ार से बढ़ी और आपके पड़ोसी की भी पचास हज़ार से बढ़ गई वो पहले भी अमीर था अभी भी अमीर है ठीक है तो रिलेटिव इनकम यही कहता है कि अगर सारे इंडिविजुअल्स की इनकम जो है सेम परसेंटेज से इंक्रीज़ हो जाती है तो हमारी जो रिलेटिव इनकम है वो सेम ही रहती है चाहे एप्सल्यूट इनकम इंक्रीज भी हो जाए ठीक है बट बिकॉज इज रिलेटिव हैज़ रिमेन द सेम एंड इंडिविजुअल विल स्पेंड सेम प्रपोर्शन ऑफ इज इनकम ऑन कंजम्पन एज ही वॉज डूइंग बिफोर अब क्योंकि उसकी रिलेटिव इनकम में कोई फर्क नहीं आया तो जो कन्जम्पन वो पहले कर रहा था ठीक है उसी प्रपोर्शन में वो अभी भी कंजम्पशन पर जो है स्पेंड करेगा मान लो वो टेन थाउजेंड पहले ज़्यादा स्पेंड कर रहा था आपका पड़ोसी तो वो ज़्यादा ही करेगा और आप पहले उससे दस हज़ार कम इनकम जो है कंजम्पशन पर स्पेंड कर रहे थे तो आप कम ही करोगे क्योंकि आपकी रिलेटिव इनकम में जो है वो कोई चेंज नहीं आया ठीक है ये तो मैंने बहुत छोटा एग्जाम्पल लिया है अब मान लो सोसाइटी में आपकी इनकम पचास हज़ार से एक लाख हो गई और किसी की ढाई लाख इनकम थी वो तीन लाख हो गई तो कंजम्पशन तो आप सेम ही करोगे ना क्योंकि आपकी रिलेटिव इनकम में कोई डिफरेंस नहीं आया अगर आपकी पचास हज़ार से इंक्रीज़ हुई तो आपके पड़ोसी की भी पचास हज़ार से इंक्रीज़ होगी तो यही हमारा रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस कहता है ठीक है जो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है वो हमारे इकॉनमिस्ट जो थे ड्यूस एंड बैरी उन्होंने दिया था तो ड्यूस एंड बैरी क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू ड्यूस एंड बैरी कंजम्पन डिपेंड ऑन हिज़ इनकम जाहिर सी बात है कन्जम्पन तो हमारी इनकम पर ही डिपेंड करती है अगर हमारी इनकम अच्छी होगी तो हम अच्छे कंजम्पशन uh, पे जो है इनकम स्पेंड करेंगे अगर हमारी इनकम ही कम है तो फिर हम कंजम्पशन भी उसी हिसाब से करेंगे और वो क्या कह रहे हैं इनकम रिलेटेड टू अदर इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी अब इनकम किससे रिलेटेड है हमारी सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स रह रहे हैं उनसे रिलेटेड है ठीक है सो वी कैन से दैट कंजम्पशन डिपेंड ऑन हिज रिलेटिव पोजिशन इन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी तो हम ऐसा कह है सकते हैं कि जो कंजम्पशन है वो डिपेंड करती है रिलेटिव पोजिशन पर ठीक है जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में देखो वैसे तो आप कहोगे कि नहीं हमारी एपसी इनकम बढ़ जाती है तो हम ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं है ना लग्जरी गुड्स परचेज करते हैं ठीक है आप करते हैं लेकिन जब भी आपकी इनकम सेम परसेंटेज से इंक्रीज़ होती है तो आपकी रिलेटिव पोजीशन तो वही रही ना देखो जब आपकी इनकम इंक्रीज़ हुई पचास हज़ार से और आपके पड़ोसी की इनकम इंक्रीज़ हुई तो वहाँ पे कोई भी जो है आ, फैक्टर ऐसा नहीं आया कि आप अमीर हो गए आप वहाँ थे जहाँ वहीं हो आपका पड़ोसी ज़्यादा अर्न कर रहा था तो ज़्यादा या एक आपका पड़ोसी है जो आपसे कम अर्न कर रहा था तो आप वो अभी भी कम ही अर्न कर रहा है तो अब भाई इनकम बढ़ी है उसके साथ महंगाई भी बढ़ी होगी है ना थोड़ी बहुत जब सबकी इनकम इंक्रीज़ हो गई सोसाइटी में सबकी इनकम इंक्रीज़ हो गई तो महंगाई भी तो बढ़ेगी ना अब महंगाई बढ़ेगी तो वही रिलेटिव पोजिशन तो वही रही तो वही कह रहे हैं ड्यूस एंड बैरी कि हमारी कंजम्पशन इनकम पर डिपेंड करती है और इनकम किससे रिलेटेड है इंडिविजुअल्स जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं ठीक है आई होप आपको रिलेटिव इनकम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं चाय एप्सल्यूट इनकम हमारी बढ़ भी गई है लेकिन जो हम पहले कंज्यूम कर रहे थे वही हम कंजन कर रहे हैं तो हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी ठीक है नाउ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट इन द लॉन्ग रन द कम्युनिटी वुड कंटिन्यू टू कंज्यूम द सेम प्रपोर्शन ऑफ इनकम एज इनकम इंक्रीजेस तो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस क्या कहता है कि लॉन्ग रन में कम्युनिटी जो वही कंजम्पशन करेगी सेम प्रपोर्शन में उसकी इनकम चाहे बढ़ भी गई है ठीक है वो तो मैंने आपको बताई दिया इनकम बढ़ भी गई तब भी आप सेम कंजम्पशन ही करोगे हैंड्स एज्यूमिंग रिलेटिव इनकम डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन सेम क्योंकि रिलेटिव इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम रहने वाला है विद द ग्रोथ ऑफ इनकम ऑफ सोसाइटी इट्स ए पी सी रिमेन सेम तो उसका ए पी सी जो है वो सेम ही रहेगा ये बात भी हम पढ़ चुके हैं अब इसका ग्राफ देख लेते हैं वाई एक्सिस पे हमने कंजम्पशन लेनी है और एक्स एक्सिस पे हमने इनकम लेनी है ठीक है अब जो कंजम्पशन का ग्राफ है शॉर्ट रन में आपको पता है वो इस तरह से जाता है दोनों ग्राफ आप बना देंगे लॉन्ग रन वाला जो ग्राफ है वो हमारा इस तरह से जाता है ठीक है और एक इनकम का ग्राफ है जो हमारा इस तरह से जाता है नाउ अब यहाँ पे देखना आप ये वाला हमारा शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन है है ना इतनी इनकम पे हमने इतना कंजम्पशन किया लेकिन जब हमारी एब्सल्यूट इनकम बढ़ गई तो हमने कंजम्पशन इतना इंक्रीज नहीं किया हमने कंजम्पशन जो है वो इतना इंक्रीज़ किया है नाउ आई नो कि आप सबका एक ही डाउट होने वाला है कि जब हमारी कंजम्पशन पहले ये थी तो अब हमारी कंजम्पशन ये क्यों नहीं है क्योंकि हमारी इनकम के बढ़ने से हमने कंजम्पशन इंक्रीज़ की है अब आप कहोगे हम तो कंजम्पशन इंक्रीज़ ही नहीं करें अरे कंजम्पशन तो हम इंक्रीज़ करेंगे जब हमारी पचास हज़ार से एक लाख ,00 सैलरी होगी तो क्या आप कंजम्पशन इंक्रीज़ नहीं करेंगे कंजम्पशन तो आप इंक्रीज़ कर रहे हैं लेकिन आपका पड़ोसी भी जो है वो भी उतनी कंजम्पशन इंक्रीज़ कर रहा है तो जो आपकी रिलेटिव कंजम्पशन है वो सेम ही रहने वाली है आपकी एब्सोल्यूट जो कंजम्पशन uh, है वो तो इंक्रीज़ हुई है ना लेकिन रिलेटिव कंजम्पशन आपकी अभी भी सेम है वो अगर पहले ज़्यादा कंज्यूम करा था अभी भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा एक पड़ोसी आपका आपसे कम कंज्यूम कर रहा था वो अभी भी कम ही कंज्यूम करेगा ठीक है तो जो हमारी कंजम्पशन है वो यहाँ से इतनी ना बढ़कर हमारी इनकम के साथ वो और ज़्यादा बढ़ेगी तो वो हमारी ये हो जाएगी ए टू वाई वन ठीक है अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं विद द इंक्रीज इन इनकम फ्रॉम ओ वाई टू ओ वाई वन इट्स कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज नॉट ओनली अप टू ए वन वाई वन बट इट इंक्रीजेज अप टू ए टू वाई टू देखो वो ए वन वाई वन से ना बढ़कर कर कहाँ से बढ़ रही है ए टू वाई वन से बढ़ रही है तो यही आपको जो आपने ग्राफ में बनाया है वो आपको लिख कर भी आना है एग्जाम में अब इसमें ना आपको दो इफेक्ट और भी जो है डिस्कस करने हैं थ्योरी में जैसे मैंने आपको बताया वीडियो में सेम आपको एग्जाम में ऐसी आनी है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और रेचेट इफेक्ट आपको लिख कर आने हैं एग्जाम में तो डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है और इफेक्ट क्या होता है देख लेते हैं इफ वी गो बाय आर आई एच रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस वगैरह अगर हम आर आई एच की बात माने इट सजेस्ट दैट इंडिविजुअल और हाउस होल्ड ट्राई टू कॉपी द कंजम्पशन लेवल ऑफ द रिच नेबर विच इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट देखो ऐसा होता है ना कि हम अपनी सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स हैं उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं उनका कंजम्पशन लेवल कॉपी करने की कोशिश करते हैं जो हमारे रिच नेबर्स होते हैं उसी को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आपका पड़ोसी गाड़ी ले आए आप भी सोचेंगे ना कि हमें भी गाड़ी लेनी है एक साल बाद दो साल बाद आप प्लान करेंगे कि हमने भी कार परचेज़ करनी है ठीक है फिर आप का जो पड़ोसी है वो और बड़ी गाड़ी ले आया अब आपको भी लगेगा कि हमें भी अपनी गाड़ी को चेंज करना है तो ये जो सोसाइटी में हम अपने रिच पर्सन को कॉपी करने की ट्राई करते हैं उसी को हम कहते हैं ये हमारा डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट है आर टू इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस इफेक्ट दो इम्प्लीकेशन हैं इस इफेक्ट के एपीसी डज नॉट फॉल एपीसी फॉल नहीं होती बिकॉज ऑफ़ इनकम इंक्रीजेज़ इन द सेम रेशियो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ रिलेटिव इनकम विल रिमेन सेम क्योंकि इनकम जो है वो सबकी सेम रेशियो में जो है इंक्रीज़ हुई है तो रिलेटिव इनकम जो है वो सेम ही रहेगी ठीक है हमारे रिलेटिवस हमारे पड़ोसी के साथ जो हमारी इनकम का कंपेरिजन था वो सेम ही रहेगा एंड देयर फॉर द प्रपोर्शन ऑफ कंजम्पन एक्सपेंडिचर टू इनकम रिमेन सेम और कंजम्पन एक्सपेंडिचर भी सेम ही रहेगा भाई हम अगर कंजम्पन इंक्रीज़ करेंगे हमारा पड़ोसी भी कर देगा क्योंकि इनकम तो उसकी भी बड़ी है है ना सेकेंडली डेमानस्ट्रेशन डज नॉट इफेक्ट द पीपल विद हाई इनकम्स अब जो डेमोन्स्ट्रेशन है ना वो किसको इफेक्ट नहीं करता जिनकी हाई इनकम है इट वुड अफेक्ट द पीपल विद रिलेटिव लो इनकम ये किस को इफेक्ट करता है जिनकी लो इनकम है अब लो इनकम है और वो ट्राई कर रहे हैं रिच पर्सन को कॉपी करने का तो ये इफेक्ट तो उन्हीं को ही करेगा ना और किसको अफेक्ट नहीं करेगा जो रिच पर्सन है रिच रिच पर्सन के पास पैसा बहुत है वो कुछ भी चाहे खरीद सकता है मार्केट से जाके है ना अफेक्ट किसको होगा जिसकी लो इनकम है लेकिन वो अपने रिच नेबर्स को कॉपी करने का ट्राई कर रहा है नाउ रेचेट इफेक्ट क्या कहता है अनदर सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ ड्यूस एंड रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस इज दैट इट सजेस्ट दैट इट नाउ रेचेट इफेक्ट क्या कहते हैं अनदर सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ ड्यूसन बेरी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस एक अनदर फीचर है इस थ्योरी का दैट वेन इनकम ऑफ इंडिविजुअल और हाउस होल्ड फॉल दियर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डज नॉट फॉल मच वो कह रहा है जब इनकम फॉल हो जाती है अभी तक तो हम देख रहे थे इनकम बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई अब मान लो कभी ऐसा हुआ आपकी इनकम फॉल हो गई ठीक है अब क्या होगा आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उतना नहीं फॉल होगा दिस इज़ नोन एज रेचेट इफेक्ट रेचेट इफेक्ट क्या कहता है कि जब आपकी इनकम फॉल हो जाती है तो आपका कंजम्पन एक्सपेंडिचर फॉल नहीं होता उतना क्यों क्योंकि या तो आप कंजम्पन uh, के हेबिटल हो जाते हैं आपको आदत हो जाती है है ना पहले आपकी इनकम ज़्यादा थी आप लग्जरी लाइफ जो थे वो स्पेंड करते थे अब आपकी इनकम कम हो गई तो क्या आप अपने खर्चों को एकदम से कम कर पाएंगे नहीं ना धीरे धीरे हो सकता है कम कर पाए लेकिन हम 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 देखते हैं 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 कि में जब हम एक बार जी लेते हैं, तो तो उस उस को को कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 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 फिर हम अपनी सेविंग्स का करते हैं उस लिविंग को करने के लिए। तो यही हमारा इफेक्ट कहता है। ठीक है? आगे चलते हैं इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट पीपल ट्राई टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैंने बताया ना पीपल ट्राई करते हैं अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने का दिस इज़ पार्टली ड्यू टू द फैक्ट दैट दे बिकम हैबिचुअल वो हैबिचुअल हो जाते हैं ना उनको आदत हो जाती है उस लग्जरी लाइफ को जीने की तो दियर प्रीवियस हायर लेवल ऑफ कंजम्पन एंड इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू रिड्यूज़ दियर कंजम्पन और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए उनकी कंजप्शन को रिड्यूस करना वैन देअर इनकम हैज फॉल एंड जब उनकी इनकम जो है वो फॉल हो जाती है दे मेंटेन देअर अर्लीअर कंजम्पन लेवल बाय रिड्यूसिंग देयर सेविंग वो सेविंग का यूज़ करके उस लाइफ को मेनटेन करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो मैंने आपको दो पढ़ाए हैं इफ़ेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और रचट इफ़ेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट क्या कहता है कि जब आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है आप अपने रिच नेबर्स को कॉपी करने का ट्राई करते हैं और वो आपको ही इफेक्ट करता है वो रिच पर्सन को इफ़ेक्ट नहीं करता रचिट इफेक्ट में हमने क्या देखा कि जब आपकी इनकम फॉल हो जाती है तो आप अपनी कंजम्पशन को फॉल नहीं करते क्योंकि आप अपनी स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे आप अपनी सेविंग्स का यूज़ करेंगे अगर आपकी इनकम नहीं भी आपके पास तो आप अपनी सेविंग्स का कर यूज़ करके अपनी कंजम्पशन को मेंटेन करेंगे ठीक है तो दोनों इफेक्ट आपको इस थ्योरी में लिख कर आने हैं नाउ अब इसके क्रिटिसिज्म क्या है थ्योरी की डिसएडवांटेज क्या है हर थ्योरी की कोई ना कोई डिसएडवांटेज होती है इसकी डिसएडवांटेज देख लेते हैं रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस अज्यूम्स अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन इनकम एंड कंजम्पशन ये क्या अज्यूम करती है कि इनकम और कंजम्पशन में सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ हो रहा है बट इंक्रीज इन इनकम अलॉन्ग द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल डो नॉट ऑलवेज लीड टू प्रपोर्शनल इंक्रीज़ इन कंजुम्पन लेकिन हमने ऐसा पढ़ा हुआ है कंजम्पशन फंक्शन में साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी हमारा यही कहता है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है हमारी कंजम्पशन उतनी नहीं बढ़ती जितनी इनकम बढ़ती है लेकिन ये थ्योरी तो ये अज्यूम करके चल रही है कि भाई सेम प्रपोर्शन में बढ़ेगी तो ये इसका क्या हो गया डिसएडवाटेज हो गया आप खुद सोचो अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी क्या आप नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाएंगे नहीं ना सेम प्रपोर्शन में करेंगे अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है कि आप ज़्यादा रोटी खाने लग जाएंगे पहले आप चार रोटी खाते थे कि आप आठ रोटी खाने लग जाएंगे आपका नहीं, आप कहोगे नहीं नहीं आपकी तो इनकम बढ़ेगी ऐसा नहीं होता तो इसका ये क्रिटिसिजम है दिस थ्योरी बिलीव दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ इनकम रिमेन ऑलमोस्ट सेम तो ये बिलीव करती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में जो सबके पास इनकम जा रही है वो सेम है लेकिन ऐसा भी कभी नहीं होता ठीक है कि सारे पर्सन की इनकम एक जैसी बढ़ जाए अब भाई जो मैनेजर लेवल का इंसान है उसकी उस हिसाब से जो है सैलरी बढ़ेगी है ना एक लोअर लेवल ऑपरेशनल लेवल का जो एम्प्लॉई है उसकी जो सैलरी uh, है वो उस हिसाब से बढ़ेगी तो ऐसा तो नहीं है ना कि सबकी इनकम में एक एक लाख का इंक्रीज़ आ जाएगा सबकी इनकम में पचास पचास हज़ार का इंक्रीज़ आ जाएगा सबकी इनकम में सेम इंक्रीज़ नहीं आएगा सेम डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी नहीं होता तो ये इस थ्योरी का जो है क्रिटिसिज्म है क्योंकि ये ऐसा ज्यूम करके चल रही है तो हम कहेंगे कि ये इसका डिसएडवांटेज है इट स्टेट्स दैट इफ इनकम इंक्रीजेस देन कंजम्पशन इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू लॉन्ग रन और अगर ये बोलता है कि इनकम इंक्रीज हुई है तो कंजम्पशन लॉन्ग रन के अकॉर्डिंग चेंज होएगी ठीक है लॉन्ग रन के अकॉर्डिंग चेंज होगी लेकिन शॉर्ट रन में भी तो आपकी इनकम पे कोई इफेक्ट आएगा उसके बारे में इसने कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया है थ्योरी ने ठीक है बट इफ़ इनकम डिक्लाइन देन कंजम्पशन डिक्लाइन अकॉर्डिंग टू शॉर्ट रन अब वो कह रही है अगर इनकम डिक्लाइन होती है जो कंजम्पशन है ना वो आप शॉर्ट रन से डिक्लाइन करेंगे जैसे कि पहले आपकी इनकम बढ़ी आपने कंजम्पशन लॉन्ग रन के हिसाब से बढ़ा दी ठीक है जैसे कि आपकी इनकम पचास हज़ार से एक लाख हुई आपने कहा कि ठीक है हम पहले पच्चीस हज़ार का कन्ज्पन करे थे साठ हज़ार का कंजम्पशन करेंगे अब ठीक है वहीं पे जब आपकी इनकम एक लाख से फिर पचास हज़ार हो गई तो आपने जो साठ हज़ार का कंजम्पशन था ना वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए आपने कहा कि हम अब कंजम्पशन को पचास हज़ार या चालीस हज़ार कर देंगे ठीक है आप अपनी सेविंग्स का भी यूज़ करेंगे उसमें तो शॉर्ट रन के लिए आपने वो डिक्लाइन करी है लेकिन लॉन्ग रन में तो आप सोच रहे हैं कि नहीं आगे इनकम बढ़ जाएगी तो हम कंजम्पशन को फिर से इंक्रीज़ करेंगे तो जो कंजम्पशन जो यहाँ पे डिक्लाइन होती है वो शॉर्ट रन के हिसाब से होती है ये सिर्फ अन्जम्पन्स पर बेस्ड होती है थ्योरी मैं आपको बार बार बता रही हूँ तो आपको फिर भी कोई डाउट है इसमें मेरे से कमेंट से में पूछ लेना दिस थ्योरी इग्नोर्स अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कंजम्पशन दैट इज़ एसिड होल्डिंग अर्बनाइजेशन अब ये जो थ्योरी है ये इग्नोर करती है वो फैक्टर्स जो हमारी कंजम्पशन को इफ़ेक्ट करते हैं एसिड अगर हम इंक्रीज़ करते हैं हमारी कंजम्पशन पर इंक्रीज आता है ना और अगर हम अर्बनाइजेशन करते हैं कि गाँव से लोग शहरों में चले गए तो भी हमारी कंज्पशन इंक्रीज़ हो जाती है तो इन सब फैक्टर्स का भी तो कन्जम्पन पर कुछ इफेक्ट है लेकिन ये थ्योरी इनको इग्नोर कर कर चलती है आपने देखा ना इस थ्योरी में इनके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं था तो ये इसका डिसएडवांटेज इस है तो इसी के साथ हमारी ये थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ थैंक यू